दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और अभी आपने देखा है कि जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और मोदी सरकार का जो 2.0 दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, तो इस दौरान जो हमारे यहाँ के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया, इनका एक स्टेटमेंट आया हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ कि क्या स्टेटमेंट में है और इन्होंने क्या अपना सजेशन गवर्नमेंट को दिया है। अब जैसे इन्होंने कहा है कि पनगड़िया से इज प्राइवेटाइज PSU, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए और कट कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, जो कॉरपोरेट टैक्स है उसको कट कर दिया जाए और जो एक्सपोर्ट है इसको बूस्ट कर दिया जाए। ये एक इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। तो कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं, क्या सच में सारे बैंक प्राइवेट हो जाएंगे? तो मैं आपको यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इनका स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स में इन्होंने इस आर्टिकल में क्या लिखा। अब आपने देखा है कि जो मोदी गवर्नमेंट है इसका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ और इस दौरान जो स्टार्टिंग के 100 डेज होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से सारा सब कुछ चुनाव में है, ओके? तो इस दौरान जो हमारी इकॉनमी है वो मेजर कंसर्न होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। तो इनका यही कहना है कि आपका पूरा का पूरा फोकस जो स्टार्टिंग के 100 डेज है इसमें इकॉनमी को बूस्ट करने पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इनका कुछ कहना है कि आप जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अब देखो इसमें तो यार बहुत कुछ आता है PSUs में। अब अगर जो आप रत्न कंपनीज की बात करोगे वो भी आती हैं, लेकिन उन पर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इनका कहना है कि जो बैंक्स हैं, ठीक है, तो इनको आप प्राइवेटाइज कर दो और जो कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है, इसको जैसा आपने कहा था कि हम 25 तक ले आएंगे, ओके, तो आप उस पर वर्क करो और जो एक्सपोर्ट है इसको बूस्ट करो जिससे कि हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, इकॉनमी है, इसमें सुधार हो सके, ओके। और ये हमारे यहाँ के फॉर्मर नीति आयोग के 22 चेयरमैन हैं, इनका ऐसा कहना है, ठीक है। तो अभी देखो ये कितने हद तक जायज है ये मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या सच में बैंक हो सकते हैं। देखो बैंक का मर्जर पॉसिबल है, बैंक का मर्जर होगा। अभी आपने आने वाले दिनों में भी देखा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके जो एसोसिएट बैंक हैं प्लस जो भारतीय महिला बैंक है इनको मर्ज कर दिया गया, ठीक है, एक सिंगल एंटिटी बना दिया गया। इस तरीके से अभी आपने बीच में भी देखा होगा कि एक देना बैंक था प्लस विजया बैंक मिला और बैंक ऑफ बड़ौदा मिला, ठीक है, ये आपके सिंगल बैंक में कन्वर्ट हो गए। तो जो मर्जर है वो पॉसिबल होंगे, आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट बैंक हैं, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बैंक हैं, इनको प्राइवेटाइज करना ये बहुत बड़ा एक जो है गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस रहेगा अगर ऐसा कुछ होता है। वैसे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो आप बैंक की तैयारी करो अभी आप करते रहो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आप खुद सोचो कि गवर्नमेंट क्या करती, अगर कोई भी एक सरकारी बैंक है तो इसके थ्रू बहुत सारे गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज वर्क होते हैं वो फ्रेम आउट होते हैं, ओके? जैसे आप देखो जो प्रायोरिटीज हैं, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, वहां पर अगर लोन देना तो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की ब्रांचेस हैं, गवर्नमेंट बैंक की ब्रांचेस हैं, ये उन लोगों को भी लोन देती हैं, ठीक है, थीके? और इन द केस अगर NPAs वगैरह होता भी है तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पर इन्फ्यूजमेंट भी करती है बैंक को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी, ओके। लेकिन प्राइवेटाइजेशन बैंक का बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। ऐसा आने वाले दिनों में तो मतलब गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेटाइज करना पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन जो इन्होंने सजेशंस अपने दिए हैं, इनका यही सीधा सीधा कहना था कि आप टैक्सेस जो है, जो आप बजट लाने वाले हो, ओके, जैसे जो अभी बजट आएगा आने वाले दिनों में, जुलाई में बजट आएगा 2019 का, क्योंकि फुल फ्लेज बजट यही वाला आपका होगा। पहले जो आया था वो एंट्रिम बजट था, जिस साल चुनाव होते हैं उस साल जब गवर्नमेंट बजट लाती है फरवरी में तो वो एंट्रिम बजट होता है। तो अब जब फुल फ्लेज बजट आएगा तो उसमें इनके लिए कुछ चैलेंजेस होंगे। तो इस पर इन्होंने कहा है कि आपका पूरा का पूरा जो फोकस है वो इकॉनमी के ऊपर होना चाहिए कि इकॉनमी को बूस्ट करना, इसलिए इन्होंने अपने तीन सजेशन दिए हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स में जो रिडक्शन है वो हो सकता है, चांसेस है, एक्सपोर्ट को बूस्ट कर दिया जाए, ये बहुत बड़ा बात इन्होंने कहा है, बिल्कुल ये अच्छी चीज़ है। और गवर्नमेंट खुद ये चाहेगी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा डिजिटल इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, तो जो ऑलरेडी चल रहे थे इनको और अच्छे से रिदम में बनाया जाए, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई थी। तो अब फिर से 5 मेजर ईयर इनके लिए मिल जाएंगे, 5 ईयर फिर से मिलेंगे। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि इन पर ज़्यादा फोकस करे, ओके, तभी हमारी इकॉनमी और स्टेबल हो और अच्छे रास्ते पर चल पाए, ठीक है। और साथ में दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं, अभी आपने ये भी देखा है कि US और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ओके, क्योंकि अमेरिका में जो चाइनीज़ आइटम्स हैं या फिर उनके ऊपर किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं देना या फिर उनके बीच कोई भी कोऑपरेशन नहीं करना, ओके, ये चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। तो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इंडिया कैन बी अ बिग बेनिफिशरी ऑफ द ऑनगोइंग US-China ट्रेड वॉर। तो इसके थ्रू क्या करें इंडिया,
एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑफ बिकमिंग अ मैन्युफैक्चरिंग हब एंड कैन क्रिएट अ जॉब्स एंड बेसिस हियर आर लोअर देन दैट इन चाइना। ठीक है, तो इंडिया क्या कर सकती है कि उनके लिए यहाँ पर हब वगैरह सेटअप कर दे और उनको डायरेक्टली सपोर्ट करे, तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये भारत के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और आने वाले दिनों में ये चीज़ें आपको देखने को भी मिलेंगी। ठीक है, तो अभी आप अगर ये समझें कि जो पनगड़िया जी है इनका आउट ऑफ द गवर्नमेंट कंटेक्स्ट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का कोई भी पार्ट अभी है नहीं। ओके, और देखा जाए तो ये फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं, लेकिन ये इनका एक सजेशन है। ओके, और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा, बट मेरा यही मानना है कि मर्जर आपको देखने को मिलेंगे और जो बैंक हैं वो आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज़ प्लान्स होते हैं जो कि ये गवर्नमेंट बैंक जो हैं सेल कर रहे हैं और गवर्नमेंट को अल्टीमेटली एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गाँव-गाँव तक पहुँचाना और भी बैंकों का जो आपने देखा होगा, देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आपने एक शब्द सुना होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, मतलब वित्तीय समावेश, तो उसके अंतर्गत क्या है कि बैंकिंग सुविधाओं से लोगों को जोड़ना। ओके, अब लोगों का जो ट्रस्ट होता है वो, मतलब मैं आपको बता दूं कि अर्बन फील्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और एक रूरल की बात करूं, तो यहां पर आप देखो कि रूरल में जो प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है, वो तो नहीं ज़्यादा पहुँच रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ओके, इन पर लोगों का ट्रस्ट भी है। अब आप खुद देख लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेज जो हैं रूरल में बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको। ओके, तो लोगों का ट्रस्ट भी है इसमें, तो अभी ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिल सकता। ओके, लेकिन हाँ, मतलब जो आने वाला बजट आएगा उसमें ज़रूर है कि गवर्नमेंट कॉरपोरेट टैक्स को रिड्यूस कर देगी 25 के नियर अबाउट करने के लिए, ऐसा कुछ कहा गया था, और जो बूस्ट है इसको एक्सपोर्ट किया जाए, तो इससे जो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो और भी ज़्यादा पटरी पर लाई जा सके। तो इतना ही कुछ था इस आर्टिकल में, बहुत ज्यादा नहीं, टेंशन मत लो, अभी जो आप तैयारी करो करते रहो। ओके, और ऐसा कुछ आपको अभी देखने को नहीं मिलने वाला जल्दी। ठीक है, इन 5 सालों में ज्यादातर जो गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस हैं जॉब्स सीकर्स के लिए, ठीक है, तो जॉब्स क्रिएट करना। ओके, और अभी आपने देखा है कि आरआरबी रेलवेज में कितनी सारी वैकेंसीज हैं, तो इसी तरीके से बैंकों में और लोगों को एम्प्लॉय करना, तो ये बड़े जो है चैलेंजेस गवर्नमेंट के सामने जो है इनको गवर्नमेंट पूरा करने का प्रयास करेगी, क्योंकि जो मैंडेट है वो बहुत बड़ा है और फुल फ्लेज गवर्नमेंट आई हुई है, तो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम पर ये सब चीज़ें देखने को मिले। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट सुझाव जरूर दो, लेकिन ये ध्यान रखना कि आप तैयारी जो करो अपनी रिदम में करो, आने वाले टाइम पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो भी है वो आपके वेलफेयर के लिए ही गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो मिलती रहे, और भी आप जो रिसेंट अपलोड्स हैं उसको जरूर देखें, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी जरूरी वीडियोज़ हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।